हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का मेरे इस चैनल में। एंड आज है मेरे पास रियलमी का 13 5G। ये फोन आपको रियलमी की ऑफिशियल साइट से 17,999 रुपए में मिल जाएगा। क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं, जानेंगे सिंपल तरीके से। मेरा नाम है हरपाल सिंह। पहली बार इस चैनल पर आए हो प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। बॉक्स कंटेन के अंदर रियलमी वाले आपको सब कुछ दे रहे हैं, अलग से आपको कुछ बाय नहीं करना। तो अब पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। बैक साइड इसमें आपको मैट फिनिशिंग दी गई है और ये पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन के साथ आता है। साइड का जो फ्रेम है वो ऑल द बॉक्सी मिलता है एंड इसमें आपको टू कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। फोन को साइड से देखते हो काफी स्लिम है, 7.79 mm की थिकनेस है। इसका वेट 190 ग्राम है और ये लाइट वेट भी है। वैसे इसमें आपको IP64 की रेटिंग मिलती है, वाटर एंड डस्ट से अच्छी प्रोटेक्शन देगा। और हाँ, सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल के अंदर ट्रिपल रियर कैमरा भी देखने को मिलेगा। सामने से आपको पैंडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। नॉर्मल स्क्रैच वगैरह से बचने के लिए रियलमी वाले आपको स्क्रीन फिल्टर भी लगाकर दे रहे हैं, लेकिन आप इसे हटाकर डे वन पे ही टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना। तो अब डिस्प्ले चेक करो, इसमें आपको 6.72 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। यूट्यूब पर कॉन्टेंट वगैरह देखते हो तो 4K में HDR का सपोर्ट नहीं मिलता। यूज करने में डिस्प्ले काफी स्मूथ है, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। आउटर वगैरह में यूज करते हो तो 580 नाइट स्पीक की ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन इस प्राइस में आपको मोटोरोला वाले एमोलेड डिस्प्ले भी देते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी यूजर टू यूजर डिपेंड है, हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। तो अब कैमरे की बात कर लेते हैं। 50MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 2MP का मोनो कैमरा दिया गया है। एंड कैमरा ऐप पर भी नजर मार लेते हैं, सभी कैमरे अच्छे तरीके से स्विच हो रहे हैं, कोई डिले वगैरह नहीं मिलता। तो ये कुछ फोटो सैंपल है, काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी निकल कर आती है। कलर एंड स्किन टोन बढ़िया है, लाइट कंट्रोल भी अच्छे से कर रहा है और साथ ही साथ 2x में भी फोटो क्लिक कर सकते हो। पोर्ट्रेट शॉट में भी काफी अच्छा एज डिटेक्शन देखने को मिलता है। और हाँ, 16MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है एंड इसका एक्सपीरियंस भी आपको काफी अच्छा मिलता है। कलर एंड स्किन टोन बढ़िया मिलते हैं, पोर्ट्रेट शॉट में भी एज डिटेक्शन अच्छे से कर रहा है। और हाँ, आप इसके बैक कैमरे से 2K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। फ्रंट कैमरे से आप फुल HD 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो कैमरा एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा मिलता है। तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मीडिया टेक का डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिलता है जो 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एंटूटू स्कोर 4.5 लाख के आसपास पहुंच जाता है और इस फोन के अंदर UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X रैम दिया गया है। और हाँ, इसमें आपको GT मोड भी मिलता है। जनरली ये फीचर ज्यादातर महंगे फोन में देखने को मिलता है, इसे ऑन करते ही फोन की परफॉर्मेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यह फोन BGMI के अंदर आपको 40fps में आराम से गेमिंग करवा देगा, तो परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन मुझे काफी अच्छा लगा। हीटिंग वगैरह का इश्यू भी नहीं देखने को मिलता, फ्लैगशिप लेवल का वेपर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं और कॉल क्वालिटी के लिए इसमें आपको 2 माइक मिल रहे हैं एंड 3.5mm हेडफोन जैक का सपोर्ट भी दिया गया है। और आप अपनी मर्जी से ऑडियो भी सेट कर सकते हो और रियलिटी ऑडियो का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और ये रियलमी UI के साथ बेस्ड रहेगा एंड इस फोन के अंदर 2 ईयर OS एंड 3 ईयर तक सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। और इसमें कुछ ब्लूटूथ भी देखने को मिलते हैं, हॉट ऐप, हॉट गेम, आप इनको इंस्टॉल भी कर सकते हो। प्राइवेसी के लिए इसमें आपको ऐप लॉक, हाइड ऐप जैसे फीचर मिलते हैं और आप इसमें क्लोन ऐप भी चला सकते हो, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल रहा है। तो अब बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, 45W का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है और डिवाइस सपोर्ट करता है 45W की फास्ट चार्जिंग को, तो बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग सपोर्ट काफी अच्छी मिल रही है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के अंदर 5G प्लस 5G ड्यूल मोड मिलते हैं एंड इसमें आपको 11 5G बैंड मिलते हैं। और हाँ, आप इसमें ड्यूल सिम के साथ SD कार्ड भी लगा सकते हो, हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। कनेक्टिविटी में वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। वैसे इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, टच करने पर इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है और इसका फेस लॉक भी काफी बढ़िया काम करता है। तो मैंने आपको Realme 13 के रिगार्डिंग सब कुछ बता दिया। आपका कोई डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड इस फोन में आपको ओनली डिस्प्ले LCD मिल रही है, बाकी देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन आगे निकल जाता है। बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल रही है, कैमरा वगैरह भी अच्छा मिल रहे हैं। तो एंड में मैं आप सभी से यही बोलूंगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी टेक वीडियो लेकर आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।